अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं, वो इस तरह से टावर होते हैं जो हम नॉर्मली मोबाइल के टावर हम लोग देखते ही हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और एक टावर जो होता है वो रिसीवर की तरह काम करता है। अब मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि सबसे पहली बात, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। माइक्रोवेव जो भी टावर है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, सीधी लाइन के अंदर काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा था इसके अंदर सीधी लाइन के रूप में वर्क करेंगे। और इसके अलावा ये बिल्डिंग से पास नहीं हो पाते हैं, यूनिडायरेक्शन होते हैं, एक ही दिशा के अंदर ये क्या करते हैं, आपके काम करेंगे आपके। और ये रिफ्रैक्टेड बाय द एटमोस्फियर लेयर, मतलब जो एटमोस्फियर है उससे ये क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के एंटीना होता है, एक पैराबोलिक डिश एंटीना होता है, एक जो होता है हॉर्न एंटीना होता है। आपने देखे होंगे कई बार टावर के ऊपर अलग अलग प्रकार के एंटीना लगे होते हैं, तो कई बार तो पैराबोलिक एंटीना होते हैं और कई बार जो होते हैं वो हॉर्न एंटीना होते हैं। एप्लीकेशन जो है टेलीफोन लाइन में आप इसका यूज करते हैं, सेलुलर फोन के अंदर, टेलीविजन नेटवर्क के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, और वायरलेस लैन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तब आप इसका उपयोग लेंगे। अब एडवांटेज की अगर बात करें तो ये केबल अगर आप बिछाते हैं तो उसकी तुलना में सस्ता रहता है। इसको आपको किसी लैंड, ज़्यादा लैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि आप अगर आप केबल बिछाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको ज़मीन की आवश्यकता रहती है। आसानी से कम्युनिकेशन कर सकता है किसी भी एरिया के अंदर, चाहे वो रेतीले एरिया है, चाहे वो ओशन है, समुंदर है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप वायर नहीं बिछा सकते। नुकसान की अगर बात कर तो ईवेस ड्रॉपिंग इसके अंदर हो सकती है। ईवेस ड्रॉपिंग होता है कि जो भी सिग्नल जो है वो मलेशियस यूज़र के द्वारा जो है कैच कर लिए जाते हैं और वो उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका वेदर की कंडीशन है वो भी इसको प्रभावित कर सकती है। अगर मौसम ख़राब है तो ये टावर काम नहीं कर पाते। कई बार बैंडविड्थ जो होती है वो इसकी लिमिटेड होती है। तो ये आपने देखा अभी माइक्रोवेव टावर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग में नेक्स्ट वीडियो में।